गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज का आपका टॉपिक है स्टिक्योमेट्री एंड स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दिस स्टिक्योमेट्रिक वर्ड क्या होता है। ये सबसे पहले समझिए, इज ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स। एक है आपका स्टिक्योन, स्टिक्योन मीन्स क्या होता है, एलिमेंट। एंड मेट्री मीन्स होता है मेट्रॉन मीन्स होता है मेजर्स। ये दो वर्ड से आपका ये पूरा बना हुआ है। एक वर्ड है आपका स्टिक्योन और दूसरा वर्ड है आपका स्टाइकियोन भी कह सकते हैं। स्टाइकियोन एक वर्ड है, दूसरा आपका है मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजर, और स्टाइकियोन का मतलब क्या होता है, एलिमेंट। मीन्स वो ब्रांच केमिस्ट्री की, वो ब्रांच जिसमें हम मेज़र करते हैं। किस किस का मेज़र करते हैं, मास का मेज़र करते हैं, किसका मेज़र करते हैं, वॉल्यूम्स का मेज़र करते हैं। एक्चुअली हर जगह मास वर्ड नहीं यूज़ किया जा सकता। अभी मैं आपको बताऊंगा मास कहाँ वर्ड यूज़ किया जाता है। सपोज़ दैट ये आपके सॉलिड के केस में है तो आप मास को यूज़ कर लेंगे। बट इट इज़ इफ़ इट इज़ इन गैसियस स्टेट में है तो वहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, वहाँ हम वॉल्यूम का ही यूज़ करेंगे। वहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, वॉल्यूम का ही यूज़ करेंगे। तो टू थिंग्स, मास का कैलकुलेशन किया जाता है या फिर किसका कैलकुलेशन किया जाता है, वॉल्यूम्स का कैलकुलेशन किया जाता है। अच्छा, अभी विद एग्जांपल आपको बताया जाएगा विच वन इज़ रिएक्टेंट एंड व्हाट इज़ द प्रोडक्ट। जैसे अवेलेबल फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन of a given reaction, let us consider the combustion of methane. ये देखिए एक example आपका दिया गया है, एक balanced equation है जहाँ combustion हो रहा है, वो किसका हो रहा है, methane का। तो किसका, CH4। और एक चीज़ और साथ साथ में देखते चलिएगा, एक तो state कौन सी है, state क्या है, gaseous state है। second one ऑक्सीजन है, इसकी स्टेट क्या है, गैसियस है। फिर क्या इससे बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, किस स्टेट का है, गैसियस स्टेट का है। नेक्स्ट वन वाटर, गैसियस और लिक्विड दो स्टेट का हम कह सकते हैं। तो ये रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, इसमें से रिएक्टेंट है आपका CH4 रिएक्टेंट है, और कौन सा है आपका, ऑक्सीजन। मीन मीथेन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, प्लस क्या हमारा बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो दीज आर लेफ्ट हैंड साइड, दे आर रिएक्टेंट्स, एंड विच आर इन राइट हैंड साइड, दे आर प्रोडक्ट्स। तो हेयर लेट अस सी, अब ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी देंगे आपको, इंफॉर्मेशन कन्वेड बाई रिएक्शन। ये आपको 9th में बताया जाता है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है आपको दी जाती है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। एक तो इन्फॉर्मेशन बाय रिएक्शंस आपको ये दिया जाता है कि कितने मोल्स यूज हो रहे हैं, किसके, मीन्स मीथेन का कितना मोल है, ऑक्सीजन का कितना मोल है। तो ये तो रिएक्टेंट की बात हो गई, और प्रोडक्ट में भी देखा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल के साथ है, और जो वाटर है आपका H2O ये कितने मोल के साथ है। हेयर मीथेन एंड डाइऑक्सीजन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, मैंने बताया दीज आर रिएक्टेंट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोडक्ट्स। व्हाट दे आर प्रोडक्ट, ये क्या है आपके, प्रोडक्ट है। नोट दैट ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस, दे आर इन गैसियस इन द अबव रिएक्शन, एंड दिस हैज बीन इंडिकेटेड बाई लेटर जी, स्मॉल जी। रिएक्शन जो इन्फॉर्मेशन देती है उसमें गैसियस है कि लिक्विड है, ये हम कैसे दिखाएंगे, थ्रू द स्मॉल जी इन द ब्रैकेट्स नेक्स्ट टू इट्स फॉर्मूला। सिमिलरली इन द केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स एस एंड एल आर रिटन रिस्पेक्टिवली। ओके, लेट अस सी रिएक्शन कि और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये। द कोफिशियंट टू फॉर O2 और H2O आर कॉल्ड स्टोमेट्रिक कोफिशियंट। ये जो आपका लगा हुआ है, मीन्स हेयर जब भी आप रिएक्शन देख रहे हैं तो रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्शन में क्या देख रहे हैं आप,
ओके ये क्या, दिस वन इज प्रॉब्लम, एक रिएक्शन आपके साथ थी, आपके सामने थी, वो क्या दिखा रहा है, रिएक्शन आपका कंफ्यूजन था, किसका कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन था आपका कि मीथेन का कंफ्यूजन हो रहा था, ओके तो वहां पे जो ऑक्सीजन निकल रही थी, ऑक्सीजन मींस रिएक्टेंट में थी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी थी, 2 थी, और जो वाटर है, वाटर भी 2 था, अच्छा ये जो 2 यूज हुआ है मींस दिस वन इज 2, इसको क्या कहेंगे हम, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, क्या बोलेंगे हम, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बोलेंगे, इन ईच के दे प्रेजेंटेड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बताया मैंने वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो कितने मोल्स या कितने मॉलिक्यूल्स के साथ है, और जो प्रोडक्ट है वो कितने मॉलिक्यूल के साथ है या फिर कितने मोल्स के साथ है। अच्छा अब एक चीज़ देखते हैं स्टेप वाइज कि ये क्या क्या इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। सबसे पहले तो ये क्या बता रहा है, 1 मोल CH4 रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, सपोज दैट इट इज हेयर CH4 है आपका प्लस 2O2, ओके तो ये क्या देगा आपका CO2 देगा, एंड प्लस ये क्या दे रहा है H2O दे रहा है, अच्छा ओके तो बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, 4 मीन्स H2O कितना हो जाएगा, H2O विल बी 2, H2O भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये देखिए इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रहा है, सबसे पहले तो 1 मोल क्या है आपका, 1 मोल हम क्या लेंगे, मीथेन लेंगे, रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ, यहां देखो 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब क्या है, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कितना देगा, 1 मोल देगा, एंड 2 मोल्स ऑफ H2O, और H2O कितना दे रहा है, 2 मोल्स दे रहा है, H2O कितना देगा, 2 मोल देगा। अच्छा ये इंफॉर्मेशन है, फिर से बात समझिए, 1 मोल इथेन, 1 मोल मीथेन प्लस 2 मोल ऑक्सीजन, ये क्या दे रहा है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का, और 2 मोल्स किसका दे रहा है, ये वाटर का दे रहा है, तो पहला इंफॉर्मेशन ये हो गया। सेकेंड वन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4, 1 मॉलिक्यूल किसका हो गया आपका, CH4 का हो गया, एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, 2 मॉलिक्यूल्स किसके हो गए, O2 के, अब ये क्या देंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इस तरह से देंगे। पहला किसके टर्म्स में समझाया गया, मोल्स के टर्म्स में, दूसरा किसके टर्म्स में समझाया गया, मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में, तो ये जो पॉइंट्स है इट इज क्लियर। नेक्स्ट वन, 22.7 लीटर ऑफ मीथेन, अच्छा कितना दिया, 22.7 लीटर ऑफ मीथेन, ये क्या दे रहा है किसके साथ, O2 कितना है, अच्छा ये देखो ये कहाँ से आया, 22.7 कहाँ से आया, 22.7 कहाँ से आया, ये क्या है कि किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, हमेशा ये हमेशा समझ के रखिएगा, 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा किसी भी गैस का वो कितना होता है, दैट इज 22.7, क्लियर होता है ये, ठीक है। तो जब हम गैसेस की बात करेंगे तो 1 मोल लिए, 1 मोल में मतलब वॉल्यूम हम कितना लिए, वॉल्यूम लिए हम 22.7 वॉल्यूम लिए, ठीक है, तो ये किसका लिए, मीथेन का लिए। अब ऑक्सीजन भी तो गैस है लेकिन इसके हम 2 मोल्स लिए, तो 2 मोल्स मीन्स 22.7 × 2, ठीक है, तो ये कितने लीटर हो गया, ये लीटर हो गया 45.4 लीटर हो गया ऑक्सीजन का। अच्छा कितना CO2 दे रहा है, तो ये भी 1 ही मोल है, तो 1 मोल का मैंने बताया हमेशा क्या होगा, गैस का वॉल्यूम इन STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट विल बी 22.7, और वाटर कितना दे रहा है, वाटर देखो 2 मोल्स है, अब इसका भी यही हो जाएगा 22.7 × 2, तो इतना ये क्या दे रहा है, इतना वाटर दे रहा है, तो दूसरा ये हो गया, ये गैस के वॉल्यूम के हिसाब से 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है,
एक इन्फॉर्मेशन इसने ये दिया। देखो ये क्वेश्चंस भी होते हैं और क्वेश्चंस मोल चाहे पूछ रहा है, चाहे वो मॉलिक्यूल पूछ रहा है, चाहे वॉल्यूम पूछ रहा है, इसके हिसाब से भी इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर ये पूछा जाए कि कंफ्यूजन ऑफ मीथेन में अगर मीथेन का वॉल्यूम 22.7 है तो जो CO2 प्रोडक्ट बनेगा उसका वॉल्यूम कितना या उसका वॉल्यूम कितने लीटर में होगा। तो अगर एक मोल बन रहा है, एक मोल मीथेन है आपका और एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एक मोल मतलब 22.7 वॉल्यूम इसका रहेगा और लीटर, और उसका भी कितना रहेगा 22.7 लीटर। नेक्स्ट वन देखिए और क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर 16 ग्राम CH4 ले लें तो जो मीथेन होगा, मीथेन का क्या जो कार्बन होगा, कार्बन का कितना होगा 12 + 4, ये समझिएगा किसका होगा, मीथेन का 12 + 4, ये क्या है आपका 16। तो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 2 × 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा दूसरा ऑक्सीजन है ये, तो ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे, 2 × 32 क्यों है यहाँ, क्योंकि 2O2 है, वॉट इट इज, इट इज 2O2, तो एक ऑक्सीजन का 16, तो जब O2 है तो क्या 32 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 64। तो यही चीज क्या ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन 2 × 32 ऑक्सीजन गिव्स 44 ग्राम CO2। तो CO2 का निकाल लेंगे, कार्बन हैज 12, तो ऑक्सीजन CO2 यानी 32, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी 44। ठीक है, तो CO2 का क्या होगा, टोटल 44 ग्राम ऑफ CO2 ये बोला गया आपका कि CO2 क्या होगा, 44 ग्राम होगा। एंड 2 × 18 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का कितना हो गया ग्राम में, तो ऑक्सीजन का कितना होगा 16 + 2, दैट विल बी 18। अच्छा या फिर अगर डेंसिटी निकालेंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगी आपकी, डेंसिटी हो जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, पहला क्या बताया मोल्स के टर्म्स में बताया, दूसरा किसके टर्म्स में बताया मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में, तीसरा किसके वॉल्यूम के टर्म्स में कि गैस के वॉल्यूम्स होते हैं, और जो चौथा बता रहा है वो किसके टर्म्स में बताया, ग्राम के या मॉलिकुलर मास के टर्म्स में ये चीज़ें आपको समझाई गई हैं। ओके, हेयर इज प्रॉब्लम, सिंपली समझिएगा। देखो एक तो ये मेथड है जो आपके एनसीईआरटी के बुक में सॉल्व किया गया है। सेकंड वन, पहले तो रिएक्शंस लिख लेते हैं, व्हाट इट इज, ये है आपका CH4 है प्लस 2O2 है, इट गिव्स CO2 प्लस 2H2O, ये आपकी रिएक्शंस है। मैंने कहा था इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाई कंफ्यूजन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अच्छा इसको हम कितना लिए गए हैं, 16 ग्राम है ये, अच्छा 1 मोल है और कितना है 16 ग्राम है। तो अभी आपको कैलकुलेशन करके भी बताया गया कि 16 ग्राम फिर ये कितना हो जाएगा, 16 × 32 × 2, अच्छा तो 16 ग्राम CH4 है। ओके, कैलकुलेट द कंफ्यूजन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, तो ये क्या है आपका 16 ग्राम है। अच्छा एक बात बताइए, तो प्रोडक्ट में जाते हैं और किसके बारे में बात की जा रही है, वाटर के बारे में बात की जा रही है, तो वाटर का क्या एक मोल का कितना होगा, एक मोल कितना होगा, तो एक मोल मतलब ऑक्सीजन इज विद 16 प्लस हाइड्रोजन 4, सॉरी 2, अभी नहीं, अभी तो इसको देखेंगे ना केवल H2O को, तो 16 + 2 दैट विल बी 18, ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 18। H2O का एक H2O का क्या होगा 18 ग्राम, कि मीन्स CH4 यूज किए तो वाटर कितना बना, एक मोल का कितना होगा मास जो होगा वो 18 होगा, तो 2 मोल बन रहा है, तो 2 × 18 दैट विल बी 36, दैट विल बी 36, ये 36, इट विल बी 36। बात समझ में आई, ऐसे ही हम क्या करेंगे इस चीज को सॉल्व करेंगे कि 16 ग्राम मीथेन है तो वाटर के का जो मॉलिकुलर मास होगा वो कितना होगा, या मोल्स में देखिए ये कितना होगा, इट विल बी 18 और 2H2O है तो 18 × 2, तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 36। और जो दूसरा वे दिया गया है
अब इसमें द बैलेंस्ड इक्वेशन ये है आपका, दिस वन इज बैलेंस्ड इक्वेशन, दिस वन। नाउ 16 ग्राम ऑफ CH4 करेस्पॉन्ड टू 1 मोल, ये क्या है आपका, दिस वन इज 1 मोल। फ्रॉम द अबव इक्वेशन 1 मोल ऑफ CH4 गिव्स 2 मोल ऑफ H2O, 1 मोल CH4 है क्या दे रहा है आपका, 1 मोल CH4 है क्या दे रहा है, 2 मोल आपका वाटर दे रहा है। 2 मोल ऑफ वाटर H2O इसका 2 × 2 + 16, ये किसके बारे में बताया गया, ये हाइड्रोजन है, दिस वन इज हाइड्रोजन एंड दिस वन इज ऑक्सीजन, तो कितना हो गया 36 ग्राम, कितना हुआ 36 ग्राम। नाउ 1 मोल H2O 18 ग्राम H2O, तो 18 H2O अपन 1 मोल H2O, तो 2 मोल H2O कितना हो जाएगा, 2 मोल H2O इंटू 18 ग्राम H2O अपन 1 मोल H2O, तो दैट विल बी 36 ग्राम H2O। सिंपली यहां से भी इसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका ये वाला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, इन एनसीईआरटी इट इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंब्यूजन। चलो ये क्या हो रहा है, कंब्यूजन हो रहा है, तो मोल्स के बारे में पूछा है, मीथेन कितना है आपका 1 मोल है, ऑक्सीजन कितना है आपका 2 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल है, और ये कितना है आपका वाटर, इट विल बी 2 मोल। अच्छा एक तो हमको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में, तो यहाँ पे हमने इन ग्राम बताया कि ये कितना होगा आपका, इट विल बी 16 ग्राम, कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन का कितना होगा 12 और 4 हाइड्रोजन्स हैं, तो ये कितना होगा 16 ग्राम, 16 ग्राम आपका क्या है, मीथेन है। अच्छा यहाँ पे 16 × 2 = 32, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 ग्राम, तो एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 × 2 पहले सबसे पहले करेंगे और 32 × 2 दैट विल बी 64 ग्राम। अच्छा यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं, तो कार्बन का कितना होगा 12 और प्लस ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, मीन्स 32, दे विल बी 44, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 44 ग्राम। अच्छा पूछा कितना है कि 22 ग्राम में कितना मीथेन लगेगा, 22 ग्राम में, तो सिंपली इसका हाफ, मीथेन का हाफ भाई, 16 ग्राम मीथेन से 44 ग्राम CO2 बन रहा है, तो अगर इसको हमको कार्बन डाइऑक्साइड को अगर 22 ग्राम बनाना है बस, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मीथेन लेना पड़ेगा, और वो भी कितना 16 है, तो 16 का हाफ मीन्स ओनली 8 ग्राम, केवल 8 ग्राम लेना पड़ेगा, और 8 ग्राम क्या बता रहा है, 8 ग्राम बता रहा है कि हाफ मोल चाहिए, कितना चाहिए हाफ मोल, ओनली हाफ मोल, तो हाफ मोल का मतलब क्या हो गया 0.5 मोल। सिंपली ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर आप सॉल्व कर लीजिए इसको, सॉल्यूशन रिएक्शन तो आपको दे दी गई है। अब 44 ग्राम CO2 is obtained from 16 ग्राम ऑफ CH4, 1 मोल CO2 is obtained from 1 मोल ऑफ CH4 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 is equal to 22 ग्राम, 1 मोल ऑफ CO2 अपॉन 44 ग्राम ऑफ CO2, तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.5 मोल CO2, दिस वन। ओके इजिली आप ऐसे भी देख सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी वो इस टर्म्स में भी बताई जा सकती है, इस टर्म्स में भी लिखी जा सकती है, सॉल्व की जा सकती है इस तरह से। ये प्रॉब्लम था आपका। नेक्स्ट वन लिमिटिंग रिएजेंट। एक्चुअली होता क्या है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं, कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं कि कोई रिएक्शन कैरी हो रही है, तो अगर एक बैलेंस्ड फॉर्म में दिया गया है, जैसे ये देखिए कि एग्जांपल देखिए आपका N2 है प्लस H2, तो ये क्या दे रहे हैं आपका, ये NH3 दे रहे हैं। ओके तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ बैलेंस्ड इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा आपका 3H2 होगा। अब यहाँ भी मोल के हिसाब से देखा जाए या फिर ग्राम के हिसाब से देखा जाए तो वी कैन राइट दिस, हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ टू करना पड़ेगा, दिस वन इज बैलेंस इक्वेशन, तो मोल्स के हिसाब से देखा जाए
तो नाइट्रोजन को हमने कितना लिया, नाइट्रोजन को हमने लिया 1 मोल, हाइड्रोजन को हमने कितना लिया, हाइड्रोजन के लिया 3 मोल, और अमोनिया को हमने कितना लिया, NH3 को हमने लिया, NH2 बना मींस NH3 बना कितना, 2 मोल बना। अब अगर ऐसा हो, अच्छा ग्राम वाइज अगर इसको देखा जाए तो ग्राम वाइज क्या हो जाएगा, N2 है 14 मींस 28 ग्राम हमने कितने नाइट्रोजन को लिया, देन हमने किसको लिया हाइड्रोजन को 26 मींस हमने क्या लिया 6 ग्राम हमने क्या लिया हाइड्रोजन को लिया, देन इट गिव्स दिस NH3। तो हमको केवल इसी पे रहना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हमको सपोज दैट हमने इसका हाफ ले लिया, मीन्स हमने केवल 14 ग्राम लिया, ओके 28 ग्राम प्लस 6 ग्राम ये क्या बनाएगा हमारा, अमोनिया बनाएगा। सपोज दैट यहाँ हमने 28 ग्राम नहीं, हमने केवल 14 ग्राम नाइट्रोजन को लिया, तो हाइड्रोजन जिस रेशियो में है, नाइट्रोजन जिस रेशियो में है, अगर ये कम जाएगा, मीन्स अगर 14 लिए तो इसका भी हाफ ग्राम यूज होगा या हाफ वॉल्यूम यूज होगी इसकी, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ओके लेट अस सी, मेनी ए टाइम रिएक्शन आर कैरीड आउट विद द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स दैट आर डिफरेंट देन द अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाई ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इन सच सिचुएशन वन रिएक्टेंट इज इन मोर अमाउंट देन द अमाउंट रिक्वायर्ड बाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। The reactant which is present in least amount, gets consumed after some time and after the further reaction does not take place, whatever be the amount of other reactant. Hence, the reactant which gets consumed first, जो पहले खत्म हो जाए, which is consumed first, limits the amount of product form and is therefore called limiting reagent. जो पहले खत्म हो जाए उसे क्या कहेंगे हम, limiting reagent. In performing stoichiometric calculation, this aspect is also be kept in mind. Means अगर chemical reaction है, chemical reaction में जो amount देनी चाहिए थी वो amount हमको नहीं मिली, या फिर reaction में वो amount नहीं है, तो एक क्या होगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और एक अभी है सपोज दैट उतने ही ग्राम में है प्रेजेंट, तो एक जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। तो ये बताया गया आपको कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कैरी हो सकती है, क्वेश्चंस इससे कैसे आ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉर एनी क्वेश्चन एंड क्वेरीज़ message me in Google Classroom. Thank you.